जमील फारूकी बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस पर उनका तबसरा जानते हैं। तो जमील, 25 मई का ऐलान किया गया है, दो रोज़ बाद यानी इसका आगाज़ होना है, और खान साहब ये भी कह रहे हैं कि ये हुकूमत रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करेगी, ये पेट्रोल बंद कर देंगे, डीजल शॉर्ट कर देंगे, इंटरनेट दो दिन पहले बंद कर दिया जाएगा, तो लोगों को अभी से ही तैयारी पकड़नी होगी अगर इस लॉन्ग मार्च के लिए निकलना है, क्या कहेंगे? जी, इमरान खान साहब ने 25 मई को लॉन्ग मार्च करने का बाकायदा ऐलान किया है। अब आप देखिए कि खान साहब के अंदर मोमेंटम बिल्ड करने की खासियत कितनी आला है। अभी कोई तकरीबन उन्होंने 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कह सकते, खिताब था एक नौयत का अपने तमाम लीडर्स के साथ। तो उन्होंने तकरीबन 45 मिनट के आखिर में जाकर बताया कि 25 मई को हम लोग निकल रहे हैं, और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप मुझे खदशात उनके दरकैप अपनी जगह दुरुस्त हैं कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, रास्ते में रुकावटें होंगी, हुकूमत किस तरह की है ये बताया और हैमर किया कि रिजीम चेंज किस तरह से अमल में आया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।